खरगोन में सीसीआई ने 3 दिन से कपास की खरीदी नहीं की है, इससे कपास मंडी में सफेद सोने की बंपर आवक देखी गई। आपको बता दें कि सफेद सोने का गढ़ कहे जाने वाले खरगोन जिले की कपास मंडी में सोमवार को सीसीआई की खरीदी शुरुआत पर कपास से भरे 2000 वाहन मंडी पहुंचे और नीलामी का दौर शुरू हुआ। इस दौरान व्यापारी ने बताया कि 3 दिन कपास खरीदी बंद होने से बंपर आवक देखी जा रही है, वहीं किसानों को उचित दाम मिल रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कपास की आवक को लेकर किसानों में खासा उत्साह दिख रहा है। खरगोन से ब्यूरो जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। पिछले हफ्ते जो मौसम खराब था और बारिश हुई थी, इसके वजह से माल रुक गया था, बहुत एक हफ्ते तक आवक नहीं हो पाई और अभी शुक्रवार शनिवार को सीसीआई खरीदी बंद थी, उस कारण से आज एकदम से बंपर आवक हुई। अभी कितने वाहन नहीं आ गए? अभी अनुमानित 1500 वाहन है और करीब 500 बैलगाड़ी। क्या भाव चल रहे हैं अभी? भाव तो वही सीसीआई के जो है जितने भाव चल रहा है। क्या भाव? 5390 से 5725 तक। क्या नाम है? रामचंद्र भास्कर है, कपास मंडी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।